Bahadur Firmat Kaya! ज्यादा जोरावर नहीं हो, कम भी नहीं हूं तुमसे। मैं खुदा के हैकल का रखवाला हूं। तुम कारोबारी आदमी थे, जंगजू कैसे बन गए? कुछ और बात करो। बच्चा जंग के बारे में सोचता है। मुझे काहिन की तरह मत समझाओ। परीसी, काहिन मुकाबला जीत गया मगर हैमा बनाने वाले ने लोगों का दिल जीत लिया। दीना घर जाओ, रात के लिए खाना बनाओ। हैमा बनाने वाले ने काहिन के चेहरे पर राख मली और लोगों ने मजाक उड़ाया। ए, तुम ये कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता मैंने इसके चेहरे पर राख मली? मैं देख रही थी। तुम देख रही थी? मुझे बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। तुम छुप के देख रही थी? इसने तुम पर राख मली और तुम बिना कपड़ों के थे। खुदा तुम्हें इस जुर्म की सजा देगा। तुम इससे शादी कब करोगे? कभी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ तुम करते हो। उसके वालिद के इंतकाल के बाद मुझे उसे संभालना पड़ा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी करूं। यकीनन नहीं, कोई ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो खूबसूरत हो, समझदार हो और उससे बहुत प्यार करती हो। बहुत प्यार? वो हर रोज मुझसे तौरत के बारे में सवाल करती है। मैं पढ़ा लिखा काहिन हूँ, हर रोज तौरत की तिलावत करता हूँ। वो तुम्हारी जहानत पर सवाल नहीं करती, वो आजादी के बारे में जानना चाहती है। तुम ये नहीं समझोगे, तुम एक फरीसी हो। मैं जानता हूँ कि तुम काहिने आजम बनना चाहते हो, इसीलिए तुम दीना से शादी नहीं करना चाहते। मैंने कभी किसी को इस अंदाज में बात करने की इजाजत नहीं दी। कोई तुम्हें उतना जानता नहीं जितना कि मैं। खड़ी रहो। नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है। रुक जाओ, गाल भागो, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, मार दो इसे, मार दो। भाग जाओ। शाओल, मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं माफी चाहता हूँ जो कुछ मैंने पहले कहा। तुम अपने लोगों के लिए हीरो हो। निगार, बरनबास, मुझे माफ कर। किस लिए? नहीं, मैंने तुम्हें कहा था उस आदमी को मार दो, लेकिन वो तुम्हें मार डालता। यीशु ने हमें दुश्मनों से प्यार करना सिखाया। यीशु? हाँ शाओल, तुमने यीशु के एक दीवाने की जान बचाई। यीशु ही तो मसीहा है। यीशु मर चुका है। मर गया? हाँ, एक महीना पहले। चलो उठो। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है मेरे गुमराह दोस्त। मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बेवकूफी पर खामोश रहता। आ जाओ शाओल। ये सच नहीं हो सकता, यीशु नहीं मर सकता। हाँ, मसलूब हो गया वो। मैं बरनबास हूँ और ये मेरी बीवी हिगार। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मैं शाओल हूँ। अब कोई नया मसीहा ढूंढ लो मेरे दोस्त। सलाम शाओल। सलाम। तुम्हारी सलामती हो। सलाम। सलाम शाओल। सलाम। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिमलीएल, यहूदा के अजीम उस्ताद। शाओल, मेरा होनहार शागिर्द, तुम खुशामद करने से बाज नहीं आओगे। क्या आपने मुझे खुशामद करने की तालीम दी थी? सुलेमान ने तारीफ के बारे में बहुत कहा और तुमने खूब सीखा। मैं बहुत भूखा हूँ अजीम शाओल। तुमने आज कुछ नहीं खाया? ये लो, जाओ। मूसा की शरीयत के मुताबिक खूब सीखा है तुमने। उस वक्त क्या करूंगा जब तमाम फकीरों को देने के लिए मेरे पास पैसा ना हो? तो तुम मांगो उनसे जो शरीयत पर अमल करते हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। खुदावंद यीशु, तूने हमारी हिफाजत का वादा फरमाया। तुम कुव्वत पाओगे और रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे और तमाम यहूदा में और दुनिया के इंतहा तक। यीशु, हम तुझसे मांगते हैं, हमें रूह कुद्दस अता फरमा। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, हमें कुव्वत बख्श कि तेरा नाम दूसरों तक पहुंचा सके।
रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या है? खुदावंद हमारे साथ है, ये रूहुल खुद का नुजूल है। पतरस, ओ पतरस। खुदावंद हमारे साथ, रूहुल खुद हम पे नाजिल हुआ है, वादा पूरा हो गया। मैंने खुदा को देखा है, वो हर वक्त मेरे साथ है, वो मेरे दाहिने हाथ है, मुझे चुंबिश लाओगी। पतरस, योहन्ना, यही वक्त है खुद को आजमाने का। क्या हमें कुवत मिल गई या यसु का मिशन खत्म हो गया? ए इसराइल के सब रहने वालों, जान लो कि खुदा ने उसे खुदावंद भी ठहराया और मसीहा भी, और उसका नाम यसू है। ये क्या बकवास है? छूटा नबी, वो मर चुका है। वो मसलूब किया गया मगर वो जिंदा है। तुम लोग हकीकत को झुटला रहे हो, यसु मरा नहीं है। मैंने उसे सलीब पर चढ़े हुए देखा, वो मरा हुआ था। उसने खबर पर फतह पाई है, वो जिंदा है। हमने उसे देखा है, जिंदा, खुदा ने उसे जिंदा किया और मौत पर फतेह दी। क्या तुम नशे में हो? रूल कुदुस पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बेवकूफ। मैं ये सुनना चाहता हूं। तौबा करो और बपतिस्मा लो तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तुम्हारे खुदा ने मुझे मफलूज कर दिया, अब और क्या चाहता है वो? मेरी तरफ देखो, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम पे। तुम लेना चाहते हो? उठ जाओ और चलो फिरो। ये तो मौजा है, ये कैसे हुआ? ये तो अजीब है, ये तो मौजा है। इसराइलियों, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हमने अपनी कुदरत से इस शख्स को चलता फिरता किया? यसू ने इसे शिफा बख्शी, तुम सबके रूबरू। मेरे नजदीक ये बेवकूफी है, नासरत का यसू मर चुका है, वो झूठा नबी था, ये मौजजा नहीं है। वो चल रहा है। ये शख्स कई सालों से मफलूज होने का बहाना कर रहा था, पैसे कमाने की खातिर। कल फिर वो यहां दोबारा आ जाएगा भीख मांगने, ये नजर का धोखा है। ये खुदा की मर्जी है। तुम भी एक काफिर हो, हैकल में खड़े हो तुम, खुदा के घर में, सोच समझ कर बोलना। यसु मसीह के नाम पर इस मफलूज ने शिफा पाई। पकड़ लो इसे। तुम सब लोगों ने देखा कि यसु ने इसे शिफा बख्शी। शाऊल, तौबा करो, मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई कि तुम मारे जो खामोश हो। वो मसीहा है, वो मसीहा है। तौबा करो, गुनाहों की माफी मांगो, बख्शे जाओगे। मैं हैकल का काहिन आजम हूं, तुम्हारे नाम क्या हैं? शमून, शमून पतरस। योहन्ना, कफरनहूम के जब्दी का बेटा। किसकी कुदरत से और किसके नाम से तुमने ये अमल किया? यह शख्स शिफा पा चुका है, यसु मसीह नासरी के नाम से, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। अगर वो जिंदा हो चुका है तो वो इस वक्त कहां है? वो आसमान पर उठा लिया गया है।
आसमान पर उठा लिया गया। हमने उसे देखा। सिर्फ तुमने देखा? किसी और के वसीले से निजात नहीं मिल सकती। आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जो हमें बचा सके। तुम पढ़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम करते क्या हो? मछेरा। मछेरा? तुम जलील के मछेरे हो? तुम जाहिल और अदना आदमी की हिम्मत कैसी हुई हम लोगों के बीच आकर ऐसी गुफ्तगू करने की? क्या इसने शिफा नहीं पाई? क्या दो दिन पहले भी ऐसा था? 2 साल पहले, 20 साल पहले, क्या तुमने उसे शिफा बख्शी? तुमने इसे शिफा बख्शी? नहीं, यसू ने। देखो, मैं चल सकता हूँ, मैं नाच भी सकता हूँ। पीछे हटो, बचाओ इन्हें। चुप रहो, सब खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। इन लोगों ने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। यही लोग वहां मौजूद थे जब उस मफलूज को शिफा हुई थी। वो शख्स जिसे हम बरसों से हैकल के दरवाजे पर पड़ा देख रहे थे। आप इनकार नहीं कर सकते। हम इस फर्जी दास्तान की इजाजत नहीं दे सकते कि यसु नासरी जिंदा है। वो मर चुका है। फर्जी दास्तान जिंदा है? हाँ। कहानी आग की तरह फैलती है, जितना फैलेगी उतना बढ़ेगी। उन्हें अंदर भेजो। और अब तुम किसी से भी यसू नासरी के बारे में कुछ नहीं कहोगे, तबलीग नहीं करोगे, शिफा नहीं दोगे, कभी नहीं। अगर तुम हुजूम में मनादी करते देखे गए उस मरे हुए शख्स के नाम की, तो पकड़ लिए जाओगे। तुम्हें सजा से कोई नहीं बचाएगा। ये सब मैं खुदा के घर का काहिन आजम तुमसे कह रहा हूँ। क्या खुदा के नजदीक ये दुरुस्त है कि हम खुदा की बात से ज्यादा तुम्हारी बात सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि हमने जो देखा और सुना है वो न कहें। हम गवाही देंगे और मसीहा के नाम पर शिफा देंगे, यसु नासरी के नाम पर। फिर तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी कैद में गुजारनी होगी। जो खुदा की मर्जी। ले जाओ इन्हें। मैं स्टेफानस हूं। यह योहन्ना है, यसू के करीब दोस्तों में से। योहन्ना, यह बरनबास उसकी बीवी हगार है। यह मान ला चुके। आइए, अंदर आइए। मां, मैं आपको इन दो लोगों से मिलवाना चाहता हूं, बरनबास और उसकी बीवी हगार। ये यसू की मां मरियम है। मैं आपकी खिदमत गुजार। यसू की मां? मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, मेरे सामने झुको मत। आपको खुदा ने चुना है। हम सब खुदा के चुने हुए लोग हैं। देखें हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। आओ हमारे साथ खाना खाओ, हम तुम्हें यीशु के बारे में सब बताएंगे। यीशु ने कहा, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। बरनबास, क्या तुम यीशु मसीह पर ईमान लाते हो जो हमारा खुदावंद है, हमारा मसीहा है, हमारा निजात दहिंदा है? पूरे दिलो जान से। मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूँ खुदा बाप के नाम और उसके बेटे यसू और रूहुल कुद्स के नाम में। मुबारक हैं वो जो ईमान लाते हैं। हैगार, बरनबास की बीवी, तुम मसीह यसु पर ईमान रखती हो? क्या वो खुदावंद है, हमारा मसीहा है? मैं ईमान रखती हूँ अपने पूरे दिल से। मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूँ खुदा बाप के नाम में, उसके बेटे यसु और रूह कुद्स के नाम में। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है काहिन आजम के हुक्म से। कल
3000 से जायद लोगों का बपतिस्मा हुआ। हमें इस बिदत के खिलाफ कुछ करना होगा। बिदत? तुम्हें यकीन? तुम्हें इस बिदत को रोकना होगा वरना रोमी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। हमारी तालीम वाजे है, कयामत के रोज हम जी उठेंगे। लेकिन तौरात ये नहीं कहती। तौरात वो शरीयत है जो खुदा ने मूसा को दी कोह सीना पर। तुम सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहे हो, मगर फरीसियों के लिए तौरात और शरीयत हर इंसान के लिए है। ये तो लोगों पर है कि वो उन लफ्जों को किस तरह समझते हैं। तुमने लोगों को जी उठने के बारे में तालीम दी और देखो आज वो वही कह रहे हैं मसीहा जी उठा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये शरीयत के खिलाफ है। ये सही कह रहा है। उन्हें अंदर लाया जाए। वो कैदी? हाँ। वो कैदी भाग गए? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये कैसे हो सकता है? लोगों को तालीम दे रहा है हैकल के अंदर। खुदावंद यसू ने ये फरमाया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, वो शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तुम कैद खाने से बाहर कैसे निकले? खुदा के फरिश्ते ने हमारे लिए दरवाजे खोले। झूठे हो, तुम पहरेदार को रिश्वत देकर बाहर निकले हो। वो चाहता है कि हम उसका पैगाम लोगों तक पहुँचाए, इसलिए हमें रिहा किया। हमने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि उस शख्स के नाम की मनादी मत करना। हमें हुक्म मानना है। कोड़े मारो। 40 कोड़ों में से एक कम। खुशी मनाओ योहन्ना, हमें भी पसीहा की तरह दुख उठाने का मौका मिला। ये लोग बेवकूफ हैं। तुम काहिनों के होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? जब तुम अपने लोगों को संभाल नहीं पाते तो मेरे पास आते हो। अब यहां हजारों पैरोकार हैं उस यसू नासरी के। तुम कहां थे काहिन जब ये सब हो रहा था? वो इंतहा पसंद हैं, हमारे लिए खतरा हैं। मूसा का खुदा इसराइल का खुदा है और वो कानून हम पर लागू होता है। ओ, कानून की बात करते हो। कानून मैं हूं, तुम्हारा कदीम मूसा का कानून बिल्कुल नहीं काहिन। ट्रिब्यून और जनरल काइस, हमें रोमी कानून के बारे में बताओ। जरा इन्हें बताइए। रोम अमन चाहता है। अगर तुम अपने लोगों को संभाल नहीं सकते, हमें काम करने दो। क्या ये सच है ट्रिब्यून? क्या रोम यहूदा पर फतह पा सकता है अगर हमने इन इंतहा पसंद मसीहियों को न रोका? मेरे पास हिकमत अमली है हेरोदीस, हमारे पास लोग हैं जैसे जनरल गाइस, चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। इनके पास तलवारें हैं, ये संगदिल इंसान हैं, आपकी फौज के बेरहम रहनुमा। अगर उन सरकश यहूदियों की वजह से बगावत खड़ी हुई तो हम उन्हें कुचल डालेंगे, ये बात ध्यान में रखना, वरना बर्बाद कर देंगे। बरनबास। मरियम, पतरस, बाहर सब क्या रहे हैं? हेरोदीस ने तुम्हारी मौत के अहकाम जारी कर दिए हैं, तुम्हारे और यहोना के। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खुदावन ने हमें सिखाया है, अगर हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, सब कुछ कुर्बान करना है और उस पर ईमान लाना है, ये तुम्हारे काम आएगा। हमने सब कुछ बेच दिया, हमारा घर, हमारे खेत, हम यसू के पीछे चलना चाहते हैं। खुदा की मर्जी पूरी होगी। हाँ, यकीन है। क्या लगता है वो क्या चाहते हैं? पैसा, ताकत? हाँ, वो इस पर ईमान रखते हैं। बेवकूफ लोग। तुमने उन्हें बात करते सुना? तुमने सुना? हाँ। कब? माँ के साथ गई थी। माँ के बारे में दोबारा बात मत करना, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। रूबन, ये क्या किया तुमने? सुना इसने क्या कहा? ये उस पागल आदमी की तरफदारी कर रही है। जागो फरीसी,
तुम्हें अपने खुदा की फिक्र है? हाँ। तुम्हें अपने मुल्क की फिक्र है? हाँ। तो कुछ करो, मार डालो उन्हें इससे पहले कि रोमी हमें मार डाले। रोमी? रोमी तैयार बैठे हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, हमारी हैकल, हमारे घर बार, सब कुछ। शाउल, मेरा साथ दो, एहद करो कि हम उस झूठे मजहब को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हम उनमें से हर एक को मार डालेंगे। नहीं रुबल, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब अगर तुमने एक मर्तबा और उनकी तरफदारी की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। नहीं शाउल। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें इसराइल को बचाना है। इसराइल के लोगों, भाई और बहनों, आओ यहाँ, आओ, ये लो, आओ, आप भी लो, हमारे पास आओ और सुनो, इस्तफानस यसु के बारे में क्या तालीम दे रहा है। यसु हमारे खुदावंद ने कहा, शाउल तरसूसी और जिमली एल को यहाँ लेकर आओ जल्दी, और कोई बेवकूफी मत करना। यसु कौन है? खुदा का बेटा। तो वो इंसान था या खुदा? दोनों, खुदा इंसान के रूप में जमीन पर आया। खुदा? यसु खुदा नहीं था। खुदा का बेटा? दोनों। हाँ, दो खुदा है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यसु ने कहा कि इस हैकल को ढा दो, क्या ये सच है? उसने हैकल अपने बदन को कहा? ना 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 ना, यसु ने कहा था हैकल को ढा दो, इस हैकल को जो हमारे लिए मुकद्दस है, सदियों से हम इसमें इबादत करते आए हैं, यसु बर्बाद करने वाला है। नहीं, यसु हमें बचाने वाला है, वो हमारा निजात दहिंदा है, बचाने वाला और निजात देने वाला है। जिमलीएल, क्या ये फरीसी तालीम है? इंसानी खुदा? तुम जानते हो ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारा खुदा आदमियों की तरफ से रद्द किया गया और रोमियों के हाथों मसलूब हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये दो खुदाओं की तालीम दे रहा है, ये हैकल की बर्बादी चाहते हैं और सबको खत्म कर डालना चाहते हैं। बहुत हो चुका, ले जाओ इसे। ये गलत है। ले जाओ इसे अभी, इसकी यही सजा है। मना करने के बावजूद इसने यसु की तालीम। शाउल, क्या तुम मेरे साथ हो? शाउल, अगर ये तालीम खुदा की तरफ से ना होती तो कब की दम तोड़ चुकी होती। शाउल, तुमने मेरी जान बचाई। चले जाओ वरना मारे जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, रुक जाओ। संभालो मेरे सारे कपड़े। मारो से, मारो और मारो, मारो से, मारो, 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 मारो से, मारो इसे, छोड़ दो। खुदावन, ये गुनाहन के जिम्मे ना लगा, मेरी रूह को कबूल कर। तुम सबके लिए इबरत है, अगर उस यसू के नाम की तालीम दोगे तो इसी तरह मारे जाओगे। सबानस,
इस्तफानस, पकड़ लो इसे। प्यारे इस्तफानस, शाओल तुम बुजदिल हो। नहीं, नहीं, बर्नबास, छोड़ दो इसे, गुनाह के लिए छोड़ दो। हाय 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 हाय। तुम मेरी मदद करो तो बच सकते हो। हाय, मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा रहनुमा कहाँ है? कहाँ? ये उठा है। तुम जी उठने पर ईमान रखते हो ना? हकीकी जी उठने पर। रोजे कयामत इस्तफाना से क्या कहोगे? मैं तो सिर्फ उनके साथ था। तुम इसराइलियों को बलगला रहे हो। वो कैसे? तुम शरीयत के खिलाफ तालीम देते हो। जमलियल गलत है। मैंने पतरस को भी सुना। शरीयत ने इस मुल्क को एक करके रखा है। तुमने इस्तफानस और पतरस की तालीम को समझा ही नहीं। तुम्हारा दिल सख्त है। कोई बात नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। किस बारे में? इसराइल की बात नहीं है शाऊल। पतरस और यहोना जा चुके हैं। वो इसराइल के शहरों में जा चुके हैं यसु की तालीम को दूर दूर तक फैलाने के लिए। समझा था तुम हीरो हो, तुम बेवकूफ हो, बहुत बेवकूफ। रूबन के हाथ की कट पतली। यसु ने सिखाया, दूसरा गाल भी फेर दो। हमारी दुआ सुन ले खुदावंद, हमारे साथ हो, इन भटके हुओं को राह पे ला ताकि वो तेरा नाम पहचाने। ले जाओ इन्हें। क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। पतरस, यहोना, अंदर आ जाओ जल्दी से। आ जाओ आ जाओ, पतरस और यहोना वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए? खुदाया तेरा शुक्र है। यहोना, कोई खबर? खबर अच्छी है। यहूदिया और सामरिया में बहुत लोगों ने यसू को कबूल किया। मैं भी बगैर खौफ के बोला। खुदावंद की हम तो हमें सुनने के लिए लोगों का हुजूम लग जाता था। यहोना, मैंने यसू के उन पैरोकारों के लिए जो अहकामात दिए थे तुमने उन्हें खूब निभाया शाऊल। शुक्रिया बादशाह सलामत, मगर खच्चा अभी भी है। हाँ, दमिश्क और उसके गिर्दोनवाह में। उसको रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई हिकमत अमली है? मुझे इजाजतनामा चाहिए दमिश्क जाने का ताकि मैं उन्हें रोक पाऊं। जो रास्ते में आएगा उसे मार दूंगा और बाकी लोगों को यहां लाऊंगा यरूशलम में। मंजूर है, इसके साथ सिपाही भेजो, बेहतरीन घुड़सवार।
इस वक्त पतरस और मैं दमिश्क जाने का सोच रहे थे। मुझे माफ करना पतरस, मैंने ही शाउल को बताया था कि हम यसू की तालीम को फैला रहे हैं। तुम नहीं जाना जरूरी है। फिर मैं जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ये खतरे से खाली नहीं। पतरस और यहोना को शाउल ढूंढ रहा है और पकड़ना चाहता है, वो उन्हें मार डालेगा। तुम दोनों नहीं जा सकते, तुम खास हो। दमिश्क की इबादत खाने में हनन्या नामी एक काहिन है जो यसू पर ईमान ला चुका है। हमारी बात सुनता है, वो जरूर कुछ करेगा। नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे, फैसला हो चुका है। वहाँ मैं जाऊंगा, मैं हनन्या से मिलूंगा और बात करूंगा। बनबास, बनबास। तुमने कहा था कि तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ इज्जत से पेश आऊं। होने वाली बीवी से क्या मतलब? क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर मैं उसे पाना चाहूं तो हासिल कर लूंगा। मुझे तुमसे नफरत हो रही है शाउल। दरअसल मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि उस वक्त कहां है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी नजरों के सामने मैंने तुमसे कहा था हमारे पीछे मत आना। तुमने तो और भी बहुत कुछ कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। घर जाओ अभी फौरन। अकेली खतरनाक रास्तों से? वो यहाँ अकेली आई है। तो तुम ये खतरा दोबारा उठाना चाहोगे? तो बताओ मुझे, अब भी इससे शादी करना चाहते हो? भाइयों बात तो सुनो। हननिया कहाँ है? इस तरफ, इधर से। हम पहुंच गए। तो मुझे क्यों इजा देता है? कौन हो तुम? मैं यीशु, जिसे तू सताता है। उठ और शहर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा। Oh!
तुम ठीक तो हो ना शाहुल? उसने मुझे अंधा कर दिया। किसने तुम्हें अंधा किया? यसु ने मुझे अंधा कर दिया। यसु? इसका दिमाग चल गया है। उठो शाहुल, हमें दमिश्क जाना है, चलो उठो। यसु ने मुझसे बात की। इसे उठाओ और मेरे पीछे बांध दो। गुजर गए, उसे ना कुछ खाया ना पिया, डरे कि कहीं मर ना जाए। वो बहादुर शख्स है, उसे कुछ नहीं होगा। बरनबास उठो, बरनबास जागो। हाँ नन्या, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नन्या? मैंने रोया देखी। रोया? ख्वाब में खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा? उसने कहा मैं शाहुल को तलाश करूं और बीना करूं। हाँ नन्या, हाँ नन्या, अगर तुम शाहुल के पास गए तो वो तुम्हें गिरफ्तार करके मार डालेगा, और वो नाबीना भी नहीं है, काश वो होता। तीसरी बात, तुम नहीं जानते वो कहाँ है। उस कूचे में जो सीधा कहलाता है। वो सामने वाला घर, उस गली में। हलनिया, हलनिया, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ। अच्छा बरनबास, मुझे जाना ही होगा, ये खुदा ने हुक्म फरमाया है। हनानिया, हनानिया, शाल, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम हनानिया। हाँ, तुम इसे जानते हो? हाँ, मैंने उसे रोया में देखा। हनन्या नामी एक शख्स अंदर आएगा। हाँ। हाँ। मुझ पर हाथ रखेगा और मैं पी ना ही पाऊंगा। हाँ। यसु ने इसे भेजा है। यसु? तुम खुदा के चुने हुए हो। चुना हुआ? शाउल, शाउल, तुम खुदा का चुना हुआ वसीला हो और गैर कौमों में उसके नाम की मुनादी करोगे। क्या मैं फिर से देख पाऊंगा? खुदावंद खुदा जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था शाउल, उसने मुझे भेजा तू बनाई पाए और रूल कुछ से भर जाए। मैं देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं। शाउल, शुक्रिया। एक बात सुनो। वो क्या? खुदा ने कहा मैं उसे दिखाऊंगा
कि उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा मेरे नाम के लिए। दुख? उसके नाम की खातिर? खुदा ने मुझे चुना है हननिया, उस पर ईमान रखने वाले पानी से पाक किए जाते हैं। बपतिस्मा? मुझे बपतिस्मा दो। मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। खुदा ने तुमसे खुद बात की, तुमसे ज्यादा इख्तियार किसके पास होगा? है कोई? मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूं खुदा बाप के नाम में, उसके बेटे और रूह कुद्स के नाम में। ये सही वक्त है। मुझे क्या कहना चाहिए? इन्हें अपने बारे में बताओ। क्या ये काफी होगा? इनके लिए ये बहुत होगा। ये सब लोग ईमान ला चुके हैं। आओ। भाइयों, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। ये तुम सब से कुछ कहना चाहता है। मेरा नाम शाउल तरसूसी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये हमारा दुश्मन है। निकालो से बाहर। इसे कौन लाया? हैकल के काहिने आजम ने मुझे हुक्म दिया था कि यसू के तमाम पैरोकारों को मार डालूं जो यहाँ दमिश्क में बसते हैं। ये हुक्मनामा है। इसके बाद यसू मुझ पर जाहिर हुआ जब मैं दमिश्क आ रहा था। उससे पहले मैं नहीं समझ पाया कि यसु खुदा का बेटा है, और इसके बाद मैंने जाना कि वही मसीहा है। वो मरकर जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। अब मैं बपतिस्मा पा चुका हूं। अब जबकि मैं यसु का पैरोकार हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसने हुक्मनामा जला दिया है ना, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो बदल गया है। ये शाउली है ना, ये शाउली है ना, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यसू का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यसू, यसू ने तुम्हें बदल दिया है। तुम हमारे भाई हो। ओ शाउल, तुम हमारे भाई हो। ओ शाउल, तुम हमारे भाई हो। तुम हमारे भाई हो। यसु ने तुम्हें बदल दिया। ओ शाउल, यसु ने तुम्हें बदल दिया। वहां जाकर देखो। शाउल, बाहर निकलो। पीछे हटो। तुम्हें लगता कि शाउल इतना अहमक है कि तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा होगा? कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। सच बताओ वरना मारे जाओगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता वो कहाँ। मैं कहता हूँ बताओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं कुछ नहीं जानता। रूबन, वो हैकल में है। मैंने उसे हैकल में देखा है। वो वही है। तुम्हें कैसे पता चला वो वहाँ है? उसने मुझे खुद बताया। मैं उसे देख कर आ रही हूँ। चुप रहो लड़की, धोखेबाज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे पीछे आओ। Thank you.
तुमने झूठ क्यों बोला? तुम कैसे जानते हो? तुम्हें तो मालूम नहीं शाउल कहाँ है। तुम रूबन से प्यार नहीं करती? नहीं, बहुत प्यार करती थी उससे। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ। यीशु के मानने वाले इम्तिहान से गुजरते हैं। मैं जानता हूँ उसके पैरोकारों ने क्या क्या कुर्बानियां दी, लेकिन यीशु प्यार का सागर है। हाँ, इसीलिए तो। क्या? मैंने यीशु के प्यार को महसूस किया है, अभी भी करती हूँ। हम उसे ईमान कहते हैं। उठो, चलो, वो वापिस आ रहे हैं। हमें शाउल को ढूंढना होगा। तेज चलो। वहां पे कौन छुपा है? अपने अपने हाथ हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। खामोश रहो। हमें निकलना चाहिए। हमें शाउल को यहाँ से निकालना होगा। बाहर हर जगह सिपाही मौजूद हैं, तो हम दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे साथ चलो। तुम्हें लगता है मेरा वजन उठा पाओगे? खुदा हमारे साथ है, हम उठा लेंगे। यहाँ आओ, चलो आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। कहा? वो वहां है, पीछा करो उसका, बचने ना पाए। शाउल, हम समझे तुम मर चुके हो। मैं भी यही समझा था। मैंने तवील सफर तय किया, पानी की एक बूंद नहीं पी, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। मेरे साथ आओ, तुम महफूज रहोगे। शाउल पालूस। पालूस? हाँ, अब मैं वो शाउल नहीं रहा। शाउल नाम को सुनते ही लोग कांप उठते थे। अब एक बदला हुआ शख्स हूं, एक नए नाम के साथ, पालूस। अच्छा है। ये रोमी नाम मेरे बाबा ने मुझे दिया था, मेरे यहूदी नाम शाउल के साथ। पालूस तरसूसी, इसका मतलब है छोटा। अब मुझसे कोई खौफजदा नहीं होगा। नया नाम तब्दीली जरूर लाएगा। और अब मुझे पत्रस से मिलना है, उसे यकीन दिलाना है कि मैं मुखलिस हूं। मुझे लगता है वो तुमसे खौफजदा है। क्या वो यहां है? यहां रहना खतरे से खाली नहीं, सब लोग उसके घर का पता जानते हैं। रूबन यरूशलम पहुंच चुका है। जानता हूं, अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो मार डालेगा। हम पत्रस के पास चले आओ, लेकिन पहले मुझे उसे तुम्हारे बारे में बताना होगा। घर चलो, आराम करो, खाओ पियो, खुद को संभालो। तुम यहीं ठहरो, वो देख रहे होंगे। अगर तुम्हें अकेले देखा तो पीछे आएंगे। इस मैदान में? इस जगह छुपना महफूज है, किसी को शक नहीं होगा। आओ आओ। बरनबास। पत्रस? पत्रस, ये वो है जिसने हमें दुख पहुंचाया, शाउल तरसूसी। लेकिन अब ये वैसा नहीं रहा, लेकिन अब ये बदला हुआ इंसान है। पालूस, इसी ने इस्तेफानस को मरवाया था। याकूब है, यीशु के करीबी लोगों में से है। हजारों को पकड़ा, इसी ने अहमस को भी मार डाला था।
ये कड़वा सच है। हाँ, तुमने मान लिया। खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। हम ये कैसे मान लें? पतरस, मेरी बिनाई चली गई थी 3 रोज के लिए, फिर मुझे रोया दिखाई दी कि हननिया नामी एक शख्स मुझे बिनाई लौटाएगा। उसी दिन ये हुआ। ये सच कह रहा है, क्योंकि उसी रात मैंने इसका बपतिस्मा किया। यसू ने हननिया से कहा कि उन्होंने मुझे चुन लिया है ताकि उसका नाम इसराइल और गैर कौमों में फैलाऊं। मैं तुम्हें बरकत देता हूं पौलुस, और तुम्हें इजाजत देता हूं कि यसू के नाम की मनादी करो। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे दिल में खोट है तो तुम्हारी रूह तड़पती रहेगी। तुम यसू के बारे में बात कर रहे हो, हमारा खुदावंद वो मसीहा जो जल्द आएगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। रोमी भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो शिकस्त पा चुके होंगे। काहिन भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, वो भी झुटला दिए जाएंगे अगर दिल में खोट रखेंगे। खुदा की मर्जी पूरी हो। हाँ बरनबास, खुदा की मर्जी पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी मेरे भाई, जरूर पूरी होगी। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स जिससे तुम मिलना नहीं चाहोगे, वो शख्स जो यीशु के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाता था, गिरफ्तार करता था, मार डालता था, उसका नाम था शाऊल तरसुसी। अब उसका नाम पालूस है। नहीं नहीं, सुनो, चलो उसकी बात सुनो। मैं ईमान ला चुका हूँ कि यीशु ही मसीहा है। दमिश्क की राह पर यीशु ने मुझसे कलाम किया, मैं अंधा हो गया था। उसने कहा मुझे मत सताओ, जब ये फानी जिस्म लाफानी हो जाएगा तो जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा, तुम मौत पर फतह हासिल कर लोगे। ए मौत, तेरी फतह कहां गई? ए मौत, तेरा डंग कहां है? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह की ताकत झूठा कानून, लेकिन शुक्र है खुदा का जिसने हमें यीशु मसीह के वसीले मौत पर फतह बख्शी। मेरे भाइयों, तुम सब इब्राहिम के घराने में से हो और बाकी खुदा की तरफ से हमारे लिए निजात का पैगाम मिल चुका है, क्योंकि यरूशलम के रहने वाले और इसके रहनुमा ये नहीं जानते, वो सब इन बातों तक नहीं पहुंच पाते। सिपाही आ गए और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया ताकि उन्हें निजात पहुंचे। चलो हम फिर मिलेंगे। तुम्हें यरूशलम से जाना होगा आज रात ही। तुम हर तरफ से खतरे में हो। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था पौलुस, और मुझे शक था कि तुम हमारे साथ चालाकी कर रहे हो, लेकिन अब भी यही कहूंगा कि बिन बुलाई मौत को अपने गले मत लगा। मैं यरूशलम से जा रहा हूँ, यही वक्त है खुशखबरी फैलाने का। मैं लिडा जा रहा हूँ और बरनबास अंताकिया जाएगा, सिर्फ याकूब यहां रहेगा यरूशलम के ईमानदारों के साथ। तो तुम क्या चाहते हो मैं कहां जाऊं? तरसुस। तुम चाहते हो मैं अपने घर जाऊं? सबसे मुश्किल हदफ है यह। पैगंबर अपने ही लोगों में जाकर मनादी करेगा। यसु को भी उसके अपने लोगों ने कबूल नहीं किया था जिनमें वो रहा। तुम्हें इस खुशखबरी को फैलाना ही होगा तरसुस में, बरनबास के बगैर। फिक्र मत करो पौलुस, यसु ने कहा था रोमियों को शिकस्त हो और वो जल्द वापस लौटेगा, जल्द। दुनिया का आखिर करीब है, हमें इस खुशखबरी को हर जगह फैलाना है। पतरस, मुझे गलत मत समझना, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन पतरस, जब मैंने यीशु की आवाज सुनी, उसने कहा तुम्हें बताया जाएगा तुम्हें क्या करना है। हाँ, और उसने हननिया से कहा कि मैं गैर कौमों में मनादी करूंगा। शाऊल, माफ करना पौलुस, यसु एक यहूदी था, वो यहूदियों के लिए भेजा गया, ये खुदा का मंसूबा था। पहले यहूदी, फिर गैर कौमें, ये समझना मुश्किल था। हमारे बहुत से ऐसे कानून हैं जिन्हें वो नहीं मानते। हाँ,
क्या खाना है, कब काम करना है, बच्चे का खतना, ये सब काफी मुश्किल है। लेकिन पौलुस, आखिरत करीब है। पहले यहूदी, फिर गैर कौमें। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं भी। मुबारक हो, मुबारक हो, शादी मुबारक हो, खुदा तुम्हारे साथ है। डीना, खुदावंद यीशु, तूने शाउल को अपने चुने हुए लोगों में शामिल किया। मैं अपने पूरे दिल से तुझसे दुआ मांगती हूँ, उसकी हिफाजत करना और उसके मकसद में उसके साथ होना। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ यीशु, रुबन को माफ करना, क्योंकि वह तुझे नहीं जानता। वो तेरे प्यार के बारे में, तेरी तालीम के बारे में कुछ नहीं जानता। अपना नूर उस पर चमका, उसे सीधा रास्ता दिखा। मैं पतरस और बाकी तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ। यीशु, उनकी हिफाजत कर और उनकी राहें सीधी कर। यीशु, हमारे मसीहा। मुझे थोड़ा सा और चाहिए। जाओ मीनू को लेकर आओ। यीशु की क्या कहानी है, हमें बताओ उसके बारे में। क्या यीशु पानी पे चलता था? मैं ये कहानी तुम्हें कई मर्तबा सुना चुका हूँ। आज मैं तुम्हें उसके मसलूब होने के बारे में बताता हूँ। बैठ जाओ, सुनो। दीना, मैंने सुना है कि शाऊल लोगों को यीशु की तालीम देता है, यह सच है? क्यों पूछ रहे हो? घबराओ मत, मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। मैं कर भी नहीं सकता, फौज कुछ नहीं कर सकती, काहिन आजम कुछ नहीं कर सकते। जब यीशु के पैरोकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो मैं उन्हें क्यों कुछ कहूंगा? मैंने इसलिए पूछा कि अगर वो यीशु की तालीम दे रहा है, तो उन्होंने उसे अपने फिरके में शामिल कर लिया होगा ना? हो सकता है। ताज्जुब की बात है, अगर उसे कबूल कर सकते हैं जिसने उन लोगों को बेरहमी से मारा, तो वो किसी को भी कबूल कर सकते हैं। वो सिर्फ उस इंसान को कबूल करते हैं जो यीशु पे ईमान लाते हैं, और कुछ नहीं। क्या वो उस काहिन को भी कबूल कर लेंगे जिसने उन्हें गिरफ्तार किया और सजाएं दी? तुम्हारे कहने का मतलब है ये हो सकता है? ईमान लाते हो? जानना चाहता हूँ ईमान के बारे में, मुझे हिदायत चाहिए। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मैं एक काहिन हूँ, बहुत सालों से तालीम दे रहा हूँ। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी। हाँ। कोई ऐसा शख्स जो मुझे मुतमईन कर सके, तहरीक का सरबरा, वो जो यीशु के साथ रहा हो। हाँ है। तुम सबके सामने हमने सजा दी याकूब को, जो जब्दी का बेटा था। और अब मैं पेश कर रहा हूं यीशु के पैरोकारों के रहनुमा को। यकीनन ये आखिरी है। आप सबके सामने पेश है शमून पत्रस। आपका मुजरिम रूबन, काहिन आजम बनने की मुबारकबाद। इसे अभी सजा देंगे बादशाह सलामत? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, इतनी आसानी से नहीं।
اسے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اور کسی بھی وقت سب کے سامنے لے آئیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ جو حکم۔ ایک بات اور روبن، اگر یہ بھاگ گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، سمجھ گئے؟ پالوس، پالوس، برنباس، دیکھو تو ذرا کیسی لگ رہے ہو تم۔ میں نے یہ راستہ خود چنا۔ یہ بہت عظیم کام ہے پالوس، اگر خدا تمہیں بلا رہا۔ پالوس، خدا تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ تو پھر خدا نے ہننیا سے کہا تھا کہ مجھے خدا کی راہ میں دکھ اٹھانا پڑے گا، میں خوفزدہ ہوں۔ تم خوفزدہ ہو اور میں مایوس، بے شک یہ راستہ ناہموار ہے مگر اسی پہ چلنا پڑے گا۔ کیا ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ روبن، پترس قید سے بھاگ گیا ہے۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یقیناً نہیں، پہرے دار سو رہے تھے جب وہ۔ ہو سکتا ہے شاید اس نے رشوت دی ہو۔ ہو سکتا ہے، پہرا تو بہت سخت تھا۔ بے شک۔ تم نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھ سے بہتر کاہن اعظم ہو سکتے ہو، تم مجھے سمجھتے ہو بے وقوف؟ اس کا اصل نام ہے کیا، شمون یا پترس؟ اس کا نام شمون ہے بادشاہ سلامت، یسوع نے اسے پترس نام دیا۔ کیوں؟ یہ تو کوئی نام نہیں، شمون یا پترس، یہ دو الگ نام ہیں۔ یہ نام یسوع نے دیا تھا بادشاہ سلامت۔ ہاں ٹھیک ہے، دفاع ہو جاؤ۔ او دیکھو پالوس، کپڑے آ گیا۔ سلمیس شمال مشرق میں ہے۔ خیمے بنانے والا سمندر کے بارے میں جانتا ہے؟ یہ راستہ خدا نے مجھے دکھایا ہے۔ خدا نے دکھایا؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم غیر قوموں میں منادی کریں۔ صحیح کہا تم، خیال رکھنا وہ غیر معبودوں کو مانتے ہیں۔ نہیں، اب ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ ہم ان کے بتوں کو اس طرح توڑ ڈالیں گے جیسے یہ کشتی پانی کو چیر کر آگے بڑھ رہی ہے۔ پالوس، ہم انہیں یسوع کے بارے میں بتائیں گے، پھر ہم روم کی طرف بڑھیں گے۔ روم؟ میں تم سب کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، یسوع کے وسیلے سے نجات اور گناہوں سے رہائی ملتی ہے۔ جو بھی یسوع پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کیا تم ایمان لاتے ہو میرے بھائی؟ میں چاہتا تو ہوں۔ ایمان لانے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ ہمارے تو بہت سے خدا ہیں، میں برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے شفا بخشیں، کوئی جواب نہیں ملا۔ کتنے عرصے سے معذور ہو تم؟ جنم سے۔ تمہارا ایمان ہے کہ یسوع تمہیں شفا دے سکتا ہے؟ وہ شفا دے سکتا ہے۔ تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اپنے قدموں پر۔
ये कैसे हो गया? ये तो मौजजा है। ये क्या? ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन है। ये कैसे हो गया? ये तो मौजजा है। जमीन पर उतर आया है इंसानी शक्ल में। हम खुदा नहीं हैं, वो तो यीशु हैं। ये मौजज़ा यीशु ने किया है। हम खुदा नहीं हैं। हम खुदा नहीं हैं। बर्नबास रोको इन्हें। ये खुशी खुशी और महसूस कर लेने दो। हम मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं। हम भूखे और प्यासे हैं। हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं, हमने मार खाई। हमारे पास रहने को घर नहीं। हम अपने हाथों की मेहनत पर गुजारा करते हैं। हम मलामत करने वालों को बरकत देते हैं। जब हम सताए जाते हैं तो बर्दाश्त करते हैं। खुदा हम पर अपना प्यार जाहिर करता है। हमारे गुनाहों के वास्ते मसीह ने अपनी जान दी। अगर तुम अपने दिल से मान लो कि यीशु ही खुदावंद है और वो मर के जी उठा है तो नजात पाओगे। दुनिया में कोई और नाम नहीं बख्शा गया। खुदा ने हमें सब कुछ दिया जिसको उसने वादा फरमाया था। हाँ, वो निहायत रहीम है और वो हमेशा ऐसे ही रहनुमाई करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। बाज दफा जो सच नहीं भी होता लेकिन लोग वो सुनना चाहते हैं। आज रात हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि पतरस यहाँ हमारे साथ अंताकिया में मौजूद है पिछले एक महीने से, और ये भी खुशी की बात है कि बनियामीन और याकूब भी यरूशलम से आए हैं। लेकिन हमारे दरमियान रयाकारी नजर आती है जब से बनियामीन यहां आया है। हम में से बहुत से लोग गैर कौमों के साथ उठते बैठते थे, लेकिन बनियामीन के आने के बाद उनकी सोच बदल रही है। ये मकारी है। तुम किसकी बात कर रहे हो पालूस? तुम्हारी। ये क्या बोल रहा? क्या? ये क्या और पतरस की? किसकी बात कर रहा है? क्या? माफ करना पतरस, मगर यही सच है। इसको हो क्या? जब से याकूब लोग यरूशलम से लौटे हैं तुमने गैर कौमों से मुंह मोड़ लिया है। तुम तनकीद से डरते हो। तुम उनमें फर्क करते हो जो खतने के पाबंद है और जो नहीं है। ये एक संजीदा बात है। मेरे नजदीक तुम यीशु की तालीमात का मजाक उड़ा रहे हो। ये कानून है कि ईमान लाने वाले का खतना होना लाजमी है। यीशु खुद शरीयत है हर उस शख्स के लिए जो उस पर ईमान लाता है। इस मसले को अभी हल नहीं किया जा सकता। इस मसले के हल के लिए हमें बुजुर्गों से बात करनी होगी। बरनबास ठीक कह रहा है। हम यरूशलेम जाएंगे और इसका हल निकालेंगे। बर्नबास और मैंने अपने सफर में इंतहाई दिलचस्प चीजें देखी। यीशु जो मसीहा कहलाता है मगरिब की सरजमीन में, और ईमान लाने वालों को मसीही कहते हैं। मसीही। ओ, बहुत अच्छा लफ्ज है। यीशु को भी ये पसंद आता। हम सब मसीही हैं। शरीयत मूसा ने यहूदियों को दी, गैर कौमों को नहीं। हम जब उन्हें शरीयत के बारे में बताते हैं तो बहुत ध्यान से बात करते हैं, सादा और आसान लफ्जों में, ना कि कवानीन जिनकी पासदारी लाजमी है। गैर कौमों के अपने कवानीन, और हम दोनों ने जाना कि बहुत कुछ मिलता जुलता ही है। अल्फाज फर्क है लेकिन मतलब वही है। हाँ, खुदा का हुक्म है कि दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। ये वही कानून है जिस पर हर कौम अमल करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी हैं या गैर कौम, लेकिन चंद मखसूस कवानीन जैसे कि खतना, गैर कौमों के लिए इसे मानना मुश्किल है। उनसे कहना कि ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पहनो, मेरी नजर में ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो यीशु को जानें और समझें, यीशु की तालीमात को मानें। यीशु ने हमें शरीयत सिखाई। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से प्यार करना ही शरीयत को पूरा करना है, और ये बात ज्यादा अहम है कि हम क्या कह रहे हैं और दूसरा कैसे समझता है। मेरे भाइयों, पौलुस के दलाइल गलत नहीं है। नहीं पतरस, खुदा हमारे दिलों को जानता है।
उसने गैर कौमों के दिलों को पाक किया है, उसने कोई फर्क नहीं रखा। इसलिए तुम क्यों खुदा को आजमाते हो और क्यों उनकी गर्दन पर वो जुआ रखते हो जो कोई नहीं उठा सकता? ये सही नहीं है। वो भी यीशु मसीह की निजात को पाएंगे जैसे हम सब पाएंगे। क्या ऐसा करने में तुम मेरा साथ दोगे याकूब? ये जरूरी है कि हम सब फैसले पर मुत्तफिक हों। मेरे भाइयों, शमोन ने जो कुछ अभी बयान किया है उसके मुताबिक हम सब मुत्तफिक हैं कि गैर कौमों पर शरीयत को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन खुदा के अहकामात को मानना लाजमी है। जो कोई मसीह में है वो एक नई मखलूक है। पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया है। आमीन आमीन आमीन। मुझे यरूशलेम बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन हमें वापस जाना होगा। वापस गैर कौमों में? तुम्हें संसार होना पसंद है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारा मकसद है। हाँ, बेगार परेशान हो जाएगी। सफर तो बहुत तवील है। कहाँ जाना चाहते हो? रोम। रोम? हाँ, लेकिन हम यूनान से आगाज करेंगे। क्या यूनान का सफर आसान होगा पालूस? वो तो कई खुदाओं को मान। जानता हूँ। रोम को दिमाग से निकाल दो, नहीं पहुंच पाओगे रोम। हम अंताकिया जाएंगे। नहीं, रोम। हम जाएंगे रोम पालूस। यही मेरा मकसद है। तुम्हारा मकसद खुदा का कलाम दुनिया में फैलाना है। रोम दुनिया का मरकज है। मगर यहाँ रोम से ज्यादा गैर कौमें बसती हैं। मैं जाऊंगा। तुम नहीं जाना चाहते? मैं अकेला जाऊंगा, मगर जरूर जाऊंगा। ये खुदकुशी है पालूस, उन लोगों को यीशु की तालीम देना जिन्होंने उसे कत्ल किया। नहीं नहीं, तुम अजीम हो। और उसने मौत पर फतह पाई और आसमान पर उठा लिया गया। हर वो शख्स दूसरों से प्यार करता है जो खुदा से प्यार करता है और खुदा के अहकामात पर अमल करता है। मेरा ईमान है कि न मौत, न जिंदगी, न फरिश्ते, न कोई हाकिम, न गुजरा हुआ कल, न आने वाला दिन, न ताकत, न ऊंचाई, न गहराई, न ही दुनिया की कोई भी और चीज हमें खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, और ना यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा से। एथीनियों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में निहायत इबादत गुजार हो। मैंने सैर करते हुए तुम्हारे माबूदों पर नजर की, एक कुर्बानगाह देखी जिस पर यह लिखा था कि खुदाए माबजूल के लिए। मगर मेरे भाइयों, जिस खुदा ने दुनिया बनाई वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है। वो तो खुद इंसान को जिंदगी, सांस और सब कुछ बख्शता है।
یہ خیال نہ کرو کہ خدا سونے چاندی یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر سے گڑھے جاتے ہیں۔ بس خدا جہالت کے اوقات سے چشم پوشی کر کے لیکن اب آدمیوں کو خبر دیتا ہے۔ اس نے ہر انسان سے کہا ہے کہ توبہ کرے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا جس میں وہ ایک آدمی کی معرفت عدالت کرے گا جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ زندہ کیا ہے؟ مردوں میں سے؟ اور آسمان پر اٹھا لیا گیا جہاں وہ انتظار کر رہا ہے اس وقت کا جب وہ ہمارے ایمان کے مطابق ہماری عدالت کرے گا۔ وہ یسوع ناصری ہے۔ میرے بابا نے مجھے یسوع کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تم نے کہا وہ مردوں میں سے زندہ ہوا؟ ہاں، یسوع نے محبت کا درس دیا، وہ اصل میں بتانا کیا چاہتے تھے؟ محبت صابر ہے، ملائم ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، تکبر نہیں کرتی، نازیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، خفا نہیں ہوتی، نہ راستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے، سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ پولوس، ہمارے ساتھ قرنتس میں رہو، روم جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمیں رہنما کی ضرورت ہے۔ روم جانا ضرور ہے، میں پہلے یروشلم جاؤں گا پھر روم۔ تم روم نہیں جا سکتے، یہودیوں کا داخلہ منع ہے۔ کیا؟ کلودیس کا حکم ہے، سب یہودیوں کو روم سے نکالا جا رہا ہے، اسی لیے ہم یہاں ہیں۔ تم یہودی ہو، تم وہاں نہیں جا سکتے۔ میں یروشلم کو جاتا ہوں اور نہیں جانتا کہ وہاں مجھ پر کیا گزرے گی، مگر اتنا کہ روح القدس ہر شہر میں مجھ سے یہ کہہ کر گواہی دیتا ہے کہ زنجیریں اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، میں خدا کے کلام کی خدمت کو پورا کروں جو میں نے یسوع مسیح میں پائی ہے، یعنی خدا کے فضل کی گواہی دوں۔ سنو، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور علم سے واقف ہوں اور مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں۔ وہاں لوگ قانون توڑتے تھے، میں نے ان سے کلام کیا، یسوع کے بارے میں بتایا۔ میں وہاں دو دن اور دو رات رہا۔ شریعت اپنی جگہ ہے، سمجھے تم؟ شریعت تمہیں بتاتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے تو کوشش کی، اس سے زیادہ میں کیا کرتا۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ وہاں بیٹھ جاؤں؟ ہاں، شکریہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم موسیٰ کی شریعت کے خلاف تعلیم دیتے ہو۔ افواہ ہے، میں شریعت کی اہمیت کو جھٹلا نہیں رہا یعقوب، ہم سب اسی میں سے ہیں، ہمارا مسیحا بھی۔ لیکن اب یہ موضوع زیر بحث نہیں رہا۔ ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے ایمان جو محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ان یہودیوں کے لیے بہت مشکل ہے جو شریعت کے پابند ہیں۔ ہاں، جانتا ہوں۔ کل آج چند آدمی ہیں جنہیں منت ادا کرنی ہے شریعت کے مطابق۔ میرا خیال ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کرو، دعا کرو، اپنا سر منڈواؤ، تو سب جانیں گے جو خبریں تمہاری بابت ہیں وہ جھوٹی ہیں، کیونکہ تم خود بھی شریعت پر چلتے ہو۔ سر منڈوا دوں؟ ایک چھوٹی سی قربانی تمہاری طرف سے، تم نے خدا کی خاطر بہت تکلیفیں سہیں۔ یعقوب، میں واپس آرام کرنے آیا ہوں، بہت جلد اپنا طویل سفر شروع کروں گا، لیکن میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ میں شریعت پر چلتا ہوں،
कहां जाओगे तुम? रोम, जमीन की इंतहा तक। रूबेन रुक जाओ, वो जिंदा है। तुम खुदा नहीं हो रूबेन, मैं खुदा का खिदमत गुजार काहिन हूं। तुम इसे कत्ल नहीं कर सकते। खुदा मुझसे यही चाहता है जिमली एल। यहां नहीं, हैकल में नहीं, इसकी इजाजत नहीं। ये खुदा की मर्जी नहीं है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा क्रोध है। सुनो, यही वो आदमी है जो हर जगह सबको शरीयत के खिलाफ और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है। नहीं, मारो इसे, मारो इसे। तो बस करो, क्यों मार रहे हो इसे? इसने खुदा का कानून तोड़ा है, ये इल्जाम है। कानून तोड़ा है तो इसे सजा भी कानून देगा। तुम्हें इसे कत्ल करने का हक किसने दिया? ये यहूदियों का आपसी मामला है। यहूदी रोमियों के गुलाम हैं और यहां मैं रोमी हूं। ये उसी मजहबी फिरके का है जो यसु नासरी की तालीम देते हैं। वो तो मसलूब हो चुका है। ये कहते हैं कि वो मरकर जी उठाए। मुझे कोई फिक्र नहीं, और तुम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? यह तालीम रोम के खिलाफ बगावत पैदा कर रही है। क्या यह सच है यहूदी, तुम रोम के खिलाफ बगावत फैला रहे हो? यह कुछ नहीं कर सकता। मार डालो इस शख्स का, फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं जनरल। यह कत्ल नहीं होगा। कोई वजह है तुम्हारे पास? सजा के तौर पर कोड़े मारे जा सकते हैं। हां जरूर, कोड़े मारो इसे। मैं रोमी शहरी हूं। क्या कहा तुमने? मेरी शहरियत रोम की है। ये रोमी शहरी है, फिर भी तुम इसे मारना चाहते हो? बेवकूफ, अंदर ले आओ इसे। पौलुस, पौलुस, खातिर जमा रख, जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलम में गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी है। रोम। सुबह मुझे अपने मालिक के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। क्यों नहीं? क्योंकि उसने ऐद किया कि वो तब तक कुछ नहीं खाए पिएगा जब तक शाउल मर नहीं जाता। क्या वाकई? काश वो हमेशा जिंदा रहे। हो जाना चाहिए बहुत जल्द, मेरे हुक्म से। आओ, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? पौलुस को मारने वाले हैं। तुम यहूदी लोग, जाओ यहां से। ये खुफिया कार्रवाई है, जब उसे काउंसिल के सामने पेश करेंगे तो उसे धोखे से मार देंगे। तुम कैसे जानती हो? ये खबर सच्ची है। हाँ ठीक है, आज ही पौलुस को कैसरिया भेजता हूं। अब तुम जाओ और किसी से कुछ मत कहना। और हां शुक्रिया रूमी। जाओ।
जब मैं बच्चा था, बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह सोचता था, बच्चे की तरह समझता था। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अब हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म ना तमाम है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर जान लूंगा जैसे मैं भी जाना जाता हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। तुम्हारे लिए खबर है कि बादशाह मर गया। इस खबर में ऐसा क्या है? नया बादशाह दौरे पर आ रहा है। अगरपा? इसी हफ्ते में। मैं उससे कहूंगा मेरा मामला हल करे। कोई मुकदमा है तो पेश किया जाए। तुम्हारे नाम? पौलुस तरसूसी। मेरा नाम हननिया है, यरूशलम का काहिन आजम। इस पे इल्जाम क्या है? ये शख्स शाउल यहूदियों के खिलाफ तालीम पूरी दुनिया में फैला रहा है, ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी मुमलिकत में। ये एक बिदती फिरके का रहनुमा है जो एक जाली मसीहा की झूठी तालीम देते हैं, जिसका नाम यसु नासरी था। ये हैकल की खिलाफ वर्जी करता है, मूसिया की शरीयत को झुठलाता है, रोम के खिलाफ लोगों को बरगलाता है और यसु के जी उठने की बात फैलाता है। मोहब्बत को जवाल नहीं, और यसु जिंदा है बादशाह सलामत। इस बात को मानना इतना मुश्किल क्यों है कि मसीहा आ चुका है? उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे कहा कि उसके नाम को दुनिया में फैलाऊं। मैंने सिर्फ उसका हुक्म माना है, खुद से कुछ नहीं कहा। मूसा ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। जरूर है कि मसीहा दुख उठाए और वो मुर्दों में से जी उठेगा। वो मेरी कौम और गैर कौमों को रोशनी दिखाएगा। तुम दीवाने हो गए पौलुस तरसूसी, ज्यादा पढ़ने से तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने कभी भी हैकल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही यहूदी शरीयत के खिलाफ, ना ही बादशाह के खिलाफ और ना हुकूमत के खिलाफ। काहिन आजम, इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए इसे मौत की सजा दी जाए। मैं चाहता हूं मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह में हो, मेरे आका। तुमने गलती कर दी पालूस, मैं तुम्हें रिहा करने वाला था अगर तुम ये दरखास्त ना करते तो। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो अब तुम शहंशाह के सामने ही पेश किए जाओगे, रोम में। बहुत लंबा सफर है तुम्हारे लिए, तुम्हारा खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तुम रोम से कभी वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम झूठे हो। रोम। रूबन, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो जिम्रियल, शाउल की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। खुदा के लिए मोहब्बत, मुझे ये बताती है कि उसका मंसूबा क्या है। मुझे मौत के बाद जिंदगी पर यकीन है, खुदा हमारे दिलों को जानता है और यकीन है कि एक रोज हमें उसके सामने जाना है और उसके सवालों का जवाब देना है। मुझे खुदा की मर्जी आज पूरी करनी है, मुझे मौत के बाद जिंदगी पर यकीन नहीं। यसु मसीहा नहीं था। मैं नहीं जानता वो मसीह है या नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम गलत, तुम में इसराइल का सच्चा ईमान नहीं। पालूस, पालूस, मुझे इससे बात करनी है। मुझे माफ कर देना। मैं भी माफी चाहता हूं। तकब्बुर करना भी गुनाह होता है,
हाँ बेशक ऐसा ही है। पालूस, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, तुमने मेरी रूह बचाई, ये तो सिर्फ खुदा कर सकता है। तुमने मुझे खुदा से मिलवाया, शुक्रिया। याद रखो, यसु हमें माफ करने की तालीम देता है। रूबन तुमसे मोहब्बत करता है, मैं जानता हूं। खुदा मुझे रोम बुला रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा, खुदा ने मुझे बता दिया है। खुदावन तू रहम कर। तुम दुआ जरूर करना बरनबास, तुम एक बहादुर और नेक इंसान हो। यहां लोगों को तुम्हारी जरूरत है, यहीं रहो। तुम हसीम हो। खुदा का रास्ता कांटों की सेज है। मैं तुमसे आसमान पर मिलूंगा। जरूर मिलेंगे, मैं इस्तकबाल में खड़ा रहूंगा। और देख जितने देर साथ जहाज में सवार हैं बच जाएंगे। मेरी मदद कर खुदावंद, बचा मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आगे में छलांग लगा दो, खोलो इसको। खोलो इसको, खोलो मुझे, खोलो जल्दी, खोलो। बचाओ अपनी जान, बचाओ। मेरे खुदा बन, मेरे खुदा, तू हमेशा मेरे साथ है। बचाओ। मेरे खुदा, तू हमेशा मेरे साथ है, जमीन की इंतहा तक। रोम, लिखा है, वो जो उसे नहीं जानते वो देखेंगे, और जिन्होंने उसे नहीं सुना उसे समझेंगे।